अपनी फोर्टी फिफ्थ एपिसोड के साथ और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसी टॉपिक की मैं सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ साथ दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करते रहेंगे लेकिन अब ये जो आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया में जो सबसे टॉप की इस वक्त जिसमें बिजनेस फीचर्स भी मौजूद हैं और सारा कुछ एक पूरा पैकेज है वो है फेसबुक तो फेसबुक में आजकल जो अपने ब्रांड को अपने कंपनीज को बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें काफ़ी ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिससे आप बड़ी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं और लोग आप देख रहे हैं कि आजकल उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है तो उस टूल को फेसबुक को समझना बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फेसबुक अब दूसरे सोशल मीडिया जो टूल्स हैं उनको भी एक्वायर करता जा रहा है तो इसकी रीच हर तरह से ऑडियंस तक और कस्टमर्स तक बढ़ती जा रही है तो इसके जो एक कंप्लीट एड मैनेजमेंट टूल इसमें दिया गया है जिसको समझना और उसमें काम करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए समझना चाहिए तभी आप एक सर्टिफाइड फेसबुक मार्केटर बन सकेंगे फेसबुक uh, ने सर्टिफिकेशंस भी लॉन्च की हुई हैं जिसमें बहुत सारे आप सर्टिफाइड बिज़नेस पार्टनर भी बन सकते हैं सर्टिफाइड मार्केटिंग पार्टनर भी बन सकते हैं इसी तरह ये इसी किस्म की सर्टिफिकेशंस uh, मैंने भी की हुई हैं और उनके साथ बड़ा क्लोजली हम लोग uh, उसमें कुछ स्पेशल प्रवलेज हमें मिल जाते हैं uh, जिसकी वजह से हमें कुछ इन डेप्थ नॉलेज पता लग जाती है पहली बात तो ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आ, कोशिश नहीं करते पढ़ने की और ज़्यादातर लुक एंड देखने देखने से ही सीखते हैं लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए जैसे कि आप गूगल फेसबुक की एड पॉलिसीज़ को या उसकी जो जनरल पॉलिसीज़ हैं अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप बार बार गलतियां करेंगे और जिसकी वजह से आप अपना भी आपका टाइम ज़ाया होगा पैसे भी ज़ाया होंगे और कुछ गलती की वजह से वो आप जो उससे ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे हैं वो उस तरह हासिल नहीं होगा जिस तरह उसको हासिल होना चाहिए था और क्योंकि ये एक इतनी वास्ट नॉलेज एक सब्जेक्ट बन चुका है कि आपको एकदम किसी ख़ास चीज़ जब भी आपका कोई एकदम इनकाउंटर हो किसी एरर से या किसी पॉलिसी वायलेशन से तो आपको एकदम समझ इतनी जल्दी उसकी उसकी जो रेमेडी है वो नहीं मिलेगी कि वो कहाँ से है फिर आप किसी एक्सपर्ट से या किसी फोरम से पूछेंगे फिर वो बताएगा वजह ये सब कुछ करने में टाइम लगेगा लेकिन अगर आप इस प्रो, प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप जो उनकी एड पॉलिसी है उसको एक दफ़ा इन डेप्थ पढ़ लें और कोशिश करें कि उनकी बेसिक सर्टिफिकेशन हैं वो हासिल कर लें जिसकी वजह से ये होगा कि जब वो एक सर्टिफिकेशन एक ऑनलाइन ही होता है सारा उसको आप एक प्रोसेस एक स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और चलें बेसिक आज मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली फेसबुक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी जो आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ठीक है ये एक सोशल टूल है तो आपको अगर आप जिस तरह बिज़नेस में हम देखते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा सोशल लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच होते हैं लोग उनके साथ अटैच होते हैं या उनकी सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो कहीं कही ना कहीं से बिजनेस में भी उनको फ़ायदा दे रही होती हैं तो इसी तरीके से ये जो टूल्स हैं जो सोशल मीडिया के हैं जैसे फेसबुक हो गया लिंकड हो गया फेसबुक में ये फ़ायदा है कि आप यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीक़ों से एक सोशल नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं अगर हम लिंकड में जाएँ तो इतने ओपनली आप सोशल मीटिंग्स या सोशल गेट कंपोनेंट्स कौम, वगैरह या कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते वो सिर्फ ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशन ओरिएंटेड की तरफ़ चले आता है तो फेसबुक उस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि इसमें प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं इसमें बिज़नेस टूल्स भी मौजूद हैं और इसमें जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के सारे जो टूल्स हैं वो भी मौजूद हैं तो इसलिए आपको बड़ा इजीली आप अपने बिजनेस को इस इसके अंदर रहते हुए प्रमोट कर सकते हैं इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड को आपकी कंपनी को जानने लग जाएं तो पहली पहली बात मैंने ये बताई है आपको कि आपकी जो अपनी प्रोफाइल है उसमें आप जितना मैक्सिमम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए उसमें आपको ये देखना है कि क्वालिटी लोग लेकर आए देखें फेसबुक हर तरह से ना इस चीज़ को डिस्करेज करता है कि आप रेंडमली लोगों को ऐड करना शुरू कर दें अगर आप रेंडमली लोगों को ऐड करेंगे तब भी आप, आपका हो सकता है कि आपका प्रोफाइल थोड़े दिनों में सस्पेंड हो जाए आप उन्हीं लोगों को आ, करें ऐड जिनको आप जानते हैं थोड़ा बहुत या फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स इस तरह सर्कल चलाएं और आहिस्ता इजीली अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें प्रोफाइल में इन्होंने लिमिट रखी हुई है कि आप पाँच हज़ार फ्रेंड्स से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते उसकी भी कुछ वजूहत हैं जो हम आगे जा जब हम इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ाइव से ऊपर क्यों नहीं जाते ठीक है तो फाइव थाउज़ेंड तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सोशल सर्कल है अपना प्रोफाइल का वो आप क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा होता है जब आप वाकई अपने एक्टिव मेंबर्स के साथ अपने एक्टिव फ्रेंड्स के साथ फ़ाइव थाउज़ेंड फ्रेंड्स के इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपका कॉन्टेंट कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और इसी तरह होता है कि अगर आपने प्रोफाइल बना ली है और अगर आप उसको उसमें एक्टिव नहीं है उसमें आप लोगों को कोई आ, हर लिहाज से कुछ किस कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि जब फेसबुक में हम जब फेसबुकिंग करते हैं तो हम कंटेंट के लिए जाते हैं कि हमें हमारे इंटरेस्ट से या हमारे कुछ चीज़ें आपकी इंटरेस्ट की आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें आपको बाई फोर्स दिखाया जा रहा होता है वो एडवर्टीजमेंट होती है वो वो प्रमोशन होती हैं यानी कि आप तो देखेंगे ना जैसे अगर आप म्यूज़िक ढूंढने आएँ या आप फ्रेंडशिप करने आएँ तो आपका जो फोकस होगा वो सिर्फ कम्युनिटी uh, की तरफ होगा प्रोफाइल uh, चेकिंग की तरफ होगा लेकिन उसमें फेसबुक क्या कर रहा होगा कि फेसबुक आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिखा रहा होगा तो वो आपको देखने ही देखने यानी कि कुछ चीज़ें आपको uh, फेसबुक दे रहा होगा जिससे वो अपने कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहा होगा इसी तरीके से एक प्रोफाइल ओनर भी जब अपनी टाइमलाइन क्रिएट कर रहा होता है तो वो ये इस तरह कर रहा होता है कि कई फ्रेंड्स जो देखना चाह रहे हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं अब दो तरह के लोग हैं ना देखें आपके एक तो फ्रेंड हैं जो पाँच हज़ार तक जाते हैं दूसरी चीज़ यह है कि दूसरे तरफ आपके फॉलोअर्स भी हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है फॉलोअर्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फॉलोअर्स कौन होते हैं जो सिर्फ़ आपकी फ़ीड उन तक पहुँच रही होती है या वो अपने आप आपके साथ एंगेज एक तरह से वो भी होते हैं लेकिन आपके फ्रेंड नहीं होते हैं। तो फॉलोशिप बढ़ाएं इसमें जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें और वो उसमें तेज़ी में उसी वक्त फैलना शुरू होगी जब आप फाइव थाउजेंड का अचीव कर लेंगे अपने प्रोफाइल फ्रेंड्स को तो फिर लोग ऑटोमेटिकली अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो फॉलो करना शुरू हो जाएंगे अपनी कम्यूनिटी को बिज़ी रखें अपनी कम्यूनिटी को वाइटी ऑफ कॉन्टेंट दें उसको फिर उनकी एंगेजमेंट बढ़ाएँ कि वो आपके साथ जुड़े रहें जो लोग बिल्कुल डेड हैं कोई खामोश हैं आपकी प्रोफाइल्स में उनको आप उसमें से एलिमिनेट करें और नए लोगों को अपने साथ जोड़ें हो सकता है कि वो आपकी कोई भी कुछ ऐसे लोग जो आप वाकई आपके कम्युनिटी में आपकी फेसबुक पेज में प्रोफाइल में अच्छे हैं जो कि डेली बेसिस पे कंटेंट uh, क्रिएट भी करते हैं या कंटेंट्स के साथ एंगेज होते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को एक्टिव कर देंगे और आपकी जो प्रोफाइल रैंकिंग है ना मैं आपको चीज बताऊँ फेसबुक बड़ा कीनली uh, चेक कर रहा होता है कि कौन सी प्रोफाइल्स एक्टिव हैं और जहाँ पर कॉन्टेंट प्रोड्यूस होता है और वो फिर उनके लिए ख़ास उनकी इंगेजमेंट या उनको पुश करता है आगे उनके कंटेंट को क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका कंटेंट जो है वो वाइड वाइडली एक्सेप्टेबल है लीगल uh, है एथिकल है तो वो थोड़ी सी एक जो उनके इंजनस हैं जो पुश करते हैं उस कंटेंट को आगे और लोगों तक जैसे आप देखें अगर आप जो उनकी पॉलिसी के बगैर अगर आप कोई भी कंटेंट देखेंगे लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि उस पर आप पूरा दिन गुजर जाएगा आपको ना कोई उस पर लाइक मिलेगा ना उस पर कोई इंगेजमेंट आएगी लेकिन आप एक जनरल चीज़ लगाएंगे एक मुस्बत चीज़ लगाएंगे एक जो उनकी पॉलिसी को वाइलेट नहीं कर रही होगी तो वो फ़ौर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी या आप देख अच्छा दूसरी चीज़ ये कि प्रोफाइल पर जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं तो एक दम न लगाना शुरू कर दें इनकी एक फार्मूला है कि आप की अगर आप दस भी आपने लगाई हैं तो जिस जिसके ऊपर उसको ये थ्रो करते हैं एक सैम्पल के ऊपर आपके विद इन द सर्कल आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी देखते हैं कि कितनी इंगेजमेंट आई है ये, फिर उसको फर्दर वो करते हैं फिर उसको और फर्दर लेके जाते हैं जैसे जैसे इंगेजमेंट बढ़ती जाती है उस पोस्ट को वो आगे पुश करते हैं जो कि पुश इंजन होते हैं वो लेके जाते हैं अगर आपकी पोस्ट ने कुछ अर्सा तक बिल्कुल इंगेजमेंट नहीं की तो वो बस सिर्फ आप, आपकी प्रोफाइल तक ही होके रह जाएगी और इसके अलावा जो आ, प्रोफाइल्स हैं उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जैसे कि इसका जो कवर है आपका वो बड़ा एट्रेक्टिव होना चाहिए जिससे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसको चेंज करते हैं मुख्तलफ इवेंट्स के हवाले से चेंज करते हैं ताकि आप अपनी अपनी एक्टिविटी लोगों को दिखाएँ <clears throat> कि आप कितने एक्टिव हैं सोशली जो हमारे दिन आते हैं जिस तरह पाकिस्तान में ईद है या चौदह अगस्त है या ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर है और इसमें अपने अपने आप की इन्वॉलमेंट दिखाएँ अपनी इससे एक एक्सप्रेशन का एक ज़रिया है बेसिकली जो कवर इमेज होती है सबसे ऊपर जो लगती है उसके बाद आप पोस्ट भी जो भी आपका इंटरेस्ट लेवल है अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करें देखिए ये एक कम्यूनिटी है ये एक सोशल नेटवर्क है जिसमें आप की नॉलेज जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं वो शेयर करें देखें ये सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये तमाम चीज़ें वही चीज़ें हैं जिनको आप जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये उस तरह ही आपको यूज़ करेंगे अगर आप इसको नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नेगेटिव चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे अपनी इल्म और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो आप अब वही बात है कि आप अपने इर्द गिर्द जिस किस्म की सोशल नेटवर्किंग क्रिएट करेंगे जैसे हम आम ट्रडिशनली अपने लोकल लोगों में अपने जो हमारी आम लाइफ है उसमें भी जिस तरह के लोगों की सोबत में रहेंगे हमारी प्रोफाइल पे उसी तरह की वो रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हो जाएगी इसी तरीके से फेसबुक में भी यही है कि अगर आपके जो दोस्त हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल है जो है वो उनका क्या इंटरेस्ट है वो किस किस्म के हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टाइम लाइन पर भी उसी तरह की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी तो इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी टाइम लाइन को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये भी वही चीज़ें हैं कि आप अपनी पोस्ट वो चीज़ें लगाएं जो आप जानते हैं ताकि वो आपके थ्रू लोगों तक पहुँचें आपके साथ वो इन्वॉल्व होंगे आपके जो वो होंगे इसी तरह दूसरे लोग जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं आप उनके साथ एंगेज होंगे तो आपको एक तो नॉलेज में इजाफा होगा एक नई चीज़ें देखेंगे दूसरा आपको पता है कि तो यानी कि सोशल मीडिया एक जंगल की आग है यानी कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ छोटा सा एक वाक़ होता है तो आप तक वो फ़ौरन कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है अब उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं अपने अपनी रिएक्शंस मीन यानी कि इट्स आर्टिफिशियल रिएक्शन आप आप देखेंगे कि आपको रिएक्शंस की कई चीज़ें नीचे दे, दे दी गई हैं लाइक है लव है आपकी जो फीलिंग है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रिएक्शंस के थ्रू और उसके उसको कमेंट्स दे सकते हैं आप तो इस तरह ये एक पूरी एक कम्यूनिटी बिल्ड होती है तो आप अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे दोस्त जो सर्कल डेवलप होना शुरू हो जाएगा आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजें तो आपका वो एक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा वो आपके पोटेंशियल कस्टमर भी हो सकते हैं कल को अभी जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही होती है ना उसमें हर तरह के लोग आ रहे होते हैं तो उसमें आपके टीन भी होंगे कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे कुछ आपके दोस्त होंगे जो अपनी अपनी लाइन्स में आगे एक्सेल कर रहे होंगे जो कुछ रैंडम लोग आते जाएंगे फिर जो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स आगे कनेक्शन हो जाता है कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं कि आपकी कोई आ, टाइम लाइन पर कोई चीज़ है जो आप अच्छी पोस्ट डेवलप करते हैं जो उनकी आ, टाइम लाइन्स पर जाती हैं जिनको वो लाइक करते हैं तो उनसे वो भी आपकी तरफ आते हैं वो भी आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस तरह आपकी एक ऑनलाइन कम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है जिनको आप जानते भी हैं जो आपके फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं फिर आपके सेकेंड लेवल कॉन्टैक्ट्स आते हैं फिर आपके थर्ड लेवल कॉन्टैक्ट्स आते हैं तो इस तरह एक आपकी कम्यूनिटी एक्सपैंड तो कोशिश करें जो पाँच हज़ार फ्रेंड्स आपने डेवलप करने वो आप आ, उसमें हर तरह की लॉट को लेकर आए उसमें आपकी आ, जेंडर बेस भी इक्वलिटी होनी चाहिए उसमें आपकी आ, एज आ, हर एज ग्रुप होना चाहिए उसमें ताकि आपका एक एक बड़ा मिक्स एंड मैच बड़ा एक अच्छी कम्युनिटी आपके साथ आ, मिल जाए और जिसको आप हर तरह का कंटेंट अपना जो आप दुनिया को देना चाहते हैं जिस तरह का इंटरेस्ट जाहिर है अगर वो इस लेवल इस काबिल नहीं होगा कि लोग इसको मेजोरिटी नहीं तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी फ्रेंड रह सकेंगे और इसी तरह यानी कि इट्स अगर जिनके आप फ्रेंड हैं वो भी आप इसीलिए फ्रेंड बने कि आप उनका कंटेंट आपको पसंद है और उनको आप मजीद सुनना चाहते हैं उनको उनके उनके जो क्रिएटेड कंटेंट उनको देखना चाहते हैं तो मेरा तो यही असूल है कि जो मेरे साथ हर तरह के कुछ स्कॉलर हैं कुछ शायर हैं कुछ इंजीनियर्स हैं कुछ सॉफ्टवेयर के लोग हैं क्योंकि मेरी अपनी फील्ड आईटी है मेरे से रिलेटेड लोग हैं मेरे दोस्त हैं फ्रेंड हैं जिनकी अपनी अपनी लाइंस हैं फिर उनके आगे फ्रेंड्स हैं तो इस तरह वही आपके आगे हम क्योंकि इस इस वीडियोस में सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि फेसबुक को हम बिज़नेस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे तो यही वो लोग हैं जो आपके वर्ड ऑफ माउथ बनते हैं जो आपकी सर्विसेज हैं जो आप बिज़नेस करते हैं तो वो आपके जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल फोर्थ लेवल बिज़नेस जो एक सर्कल क्रिएट हुआ है वो आपका रेफरेंस ग्रुप बन जाता है जो आपको बिजनेस में फ़ायदा देता है लेकिन इसमें बड़ी अच्छी सबसे अहम चीज़ यह है कि आप अपने जो कम्युनिटी आप डेवलप कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द को वो एक्टिव होनी चाहिए जो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन चेक किया करें जाके के मुख्तफ रेंडमली अपने पेजेस पे जाके जा, अपने ग्रुप फ्रेंड्स लिस्ट में जाके चेक कर लिया करेंगे uh, मुख्तु लोगों को कि उनको लास्ट अपडेट कब आई थी बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी लास्ट अपडेट जो थी वो पिछले साल की है तीन महीने पहले की है छः महीने पहले की है तो उनको आप अनफ्रेंड कर दें और नए लोगों को अपने साथ लेकर कर आएँ तो आ, फिर हम देखेंगे कि इन इस कम्युनिटी को जो आपने डेवलप की है इसको हम आगे बिजनेस टूल्स में कैसे यूज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप दूसरों की प्रोफाइल्स पर जाके इंगेज होंगे उनके प्रोफा उनके उनके जो पोस्ट हैं उनमें अपना कोई रिएक्शंस देंगे लाइक डिसलाइक और वट और फिर कमेंट देंगे कोई थ्रेड्स चलाएं जो डिस्कशन थ्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं जब आप उसमें क्योंकि आप जब दूसरे की डोमेन में जाते हैं ना जब किसी दूसरे की पोस्ट जो आपका फ्रेंड है उसके फ्रेंड आपके फ्रेंड नहीं है तो जब आप लेकिन कमेंट करते हैं जब आप उसकी कोई चीज़ पे लाइक डिसलाइक करते हैं तो आपका पैगाम उसके फ्रेंड्स तक भी पहुंच रहा होता है फिर एक डिस्कशंस होती हैं कुछ लोग आपकी तरफ आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई भी होंगी तो इस तरह आपकी कम्युनिटी डिवेलप होना शुरू हो जाएगी तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप प्रोफाइल डेवलप करते हैं प्रोफाइल डेवलप और जब आपके साथ साथ कुछ लोग अपना नाम और अपने पूरे तरीके से आपके साथ अटैच नहीं होना चाहते तो वो सिर्फ आपके कॉन्टेंट में दिलचस्पी दिल, दिल, दिल दिल रखते हैं तो वो क्या करेंगे सिर्फ आपको फॉलो कर देंगे तो वो भी हमारे लिए उतने ही अहम है और उस वो इसलिए भी अहम है क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है उसमें हमारे टेन थाउजेंड भी हो सकते हैं उसमें हमारे ट्वेंटी थाउज़ेंड भी हो सकते हैं आप देखें जो कि जो मशहूर लोग होते हैं सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉडनरी लोग हैं उनमें आप देखेंगे फेसबुक प्रोफाइल्स में जाकर उनके उनके फ्रेंड्स तो हैं लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में तो बेसिकली उन उन वो बेसिकली जब वो देखें ना होता ये है कि जब उनका कोई जैसे हमारे एंकर्स वगैरह को आप देखें जब वो कोई पोस्ट डालते हैं तो वो एकदम फैलती है वो इस वजह से फैलती है कि उनका जो फ्रेंड्स और उनका फॉलोअर्स नेटवर्क बहुत बड़ा होता है वो एकदम उसको फैला देते हैं वायरल कर देते हैं तो ये चीज़ है तो आ, आज का एपिसोड यहाँ मैं रोकता हूँ क्योंकि आज हमने प्रोफाइल के बारे में सारा कुछ देख लिया Uh, क्योंकि फिर uh, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अब नेक्स्ट uh, फिर बिजनेस पेजेस uh, की तरफ जाएंगे अगली एप, एपिसोड में और uh, वो yeah, इसी uh, सीरीज़ में ही होगा मैं आज ही उसको रिकॉर्ड करके आज ही अगली उसमें डाल दूँगा ताकि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो uh, कायम रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच अकम्मी